दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? दरअसल इस संदर्भ में यह जानना शायद आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में किसी दुर्घटना से नहीं टूटती, बल्कि ऐसे परिस्थिति में यह स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ उनके शरीर की तुलना में लंबी होती है, और जब यह भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं ही अलग कर देती है। पूंछ का टूटा हुआ यह भाग काफी देर तक हिलता डुलता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर जीवित का कोई अंग अलग होने पर वो कुछ समय तक हिलता रहता है, और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे यह खुद चुपके से वहाँ से सुरक्षित भाग निकलती है। मजेदार बात तो यह है कि शरीर से एक महत्वपूर्ण भाग यानी पूंछ के अलग होने से छिपकली की कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुँचता, और कुछ समय बाद इसकी पहले जैसी नई पूंछ उग आती है। ये नई पूंछ पुरानी जितनी लंबाई नहीं ले पाती।